विकलित कबोरोद्यान धामाभिरामम् गिरिश गिरिसुताभ्याम् लालितम् नित्यमंके सजन भरण शीलम् शीलये विघ्नरायम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्तधाम्नाम् अन्याश्च हस्तशरणश्रवणत्तदानीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसारात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या हर हर महादेव समुपस्थित विद्वद्वृंद देवी और सज्जनों इस जन्म दिवस पर आप सब यहाँ पर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पधारे हैं और हमें और स्थानों से सूचना मिल रही है लोग इस पर बहुत ही उत्साहपूर्वक ये आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सबके कृतज्ञ हैं। वस्तुतः हम लोगों को आप लोगों के प्रेम से एक उत्साह मिलता है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करें और जिससे कि देश का समाज का कल्याण हो। तो इस अवसर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चरक नाम का ग्रंथ है। चरक आयुर्वेद का बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है और उसके रचयिता पतंजलि हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्येन
योपाकरोत्तम प्रवणम मुनीराम प्रवणम मुनीराम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। जिन्होंने योग सूत्र रचकर योगियों का कल्याण किया और मल के मल को दूर करने का उपाय बताया, महाभाष्य पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखकर वाणी के मल को दूर करने के लिए मार्गदर्शन दिया और शरीर के मल शरीर के दोषों को दूर करने के लिए चरक नाम का एक ग्रंथ बनाया, वो पतंजलि। और हम लोग ये मानते हैं कि जो भगवान शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य थे वे पतंजलि के ही अवतार थे। उन्होंने चरक में एक अध्याय है प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध जो है इससे पर्यावरण बिगड़ता है, इससे देश की समाज की क्षति होती है। तो वो प्रज्ञापराध क्या है? हम लोग धर्म के मार्ग से विचलित होकर जब अनाचार करने लग जाते हैं, समाज उच्छृंखल हो जाता है, तो उससे देश का पर्यावरण बिगड़ जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, सर्व और अनेक प्रकार के रोग इससे उत्पन्न होते हैं। ये प्रज्ञापराध क्या है? हम लोग मानते हैं कि मनुष्य अपनी हानि के लिए जो अपनी बुद्धि को बिगाड़ देता है वो तो प्रज्ञापराध। हमारे वेदांत में बताया गया है कि दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक ईश्वर की बनाई सृष्टि है और दूसरी जीव की बनाई सृष्टि है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हम बैठे हैं, ये सारा संसार उनका बनाया हुआ, लेकिन हम उस सृष्टि के भीतर अपनी भी सृष्टि बना लेते हैं जो हमारी मन की कल्पना है, हमारी जो बुद्धि का भ्रम में चले जाना है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि दो व्यक्ति परदेश गए धन कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। दोनों परदेश में व्यापार करने लगे, उनमें से एक को व्यापार में घाटा लगा और वो बीमार होकर मर गया और दूसरा व्यापार में लाभ किया और बहुत धन कमाया। तो जो धनिक था उसने एक यात्री से अपने घर संदेश भेजा कि हमारे घर में जाकर हमारा कुशल समाचार सुनाना और ये बताना कि हमने व्यापार में लाभ प्राप्त किया और घर में लौटने वाले हैं। और जिसके घर का व्यक्ति मर गया था उसके यहाँ उसके मरने की खबर देने को कह दिया, लेकिन वो संदेश वाहक जो था वो दूर था, जिसके घर का व्यक्ति मर गया था उसके यहाँ जाकर बता दिया कि उसने खूब धन कमाया और वो आ रहा है। तो उसके यहाँ तो बाजा बजने लगा और जिसके यहाँ जीवित था उसके यहाँ खबर दे दिया कि वो मर गया, तो वहां रोना शुरू हो गया। आप देखिए ईश्वर की सृष्टि में वो जिंदा है लेकिन अपनी सृष्टि में मर गया, ईश्वर की सृष्टि में वो मर गया है अपनी सृष्टि में जिंदा है। तो ये सृष्टि जो हम अपने आप की बनाते हैं ये जीव सृष्टि कहलाती है। इस जीव सृष्टि के कारण हम कभी कभी धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों ने हमारे संदेश में सुना आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति,
स्मृति शुद्ध सर्व ग्रंथि नाम वे प्रमोक्ष, सबसे पहले मनुष्य के आहार की शुद्धि होनी चाहिए। आहार हम केवल जीव से नहीं, मुंह से नहीं लेते हैं, हम कान से भी आहार करते हैं, जो हम सुनते हैं वो भी हमारे भीतर जा रहा है, हम जो स्पर्श करते हैं, जो सूंघते हैं, और दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, वो सब का सब आहार है। और सबसे बड़ी बात यह है, आहार में भी जो भोजन का आहार है उसकी शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। आपने सुना भीष्म युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दे रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात सुना रहे थे, लेकिन द्रौपदी मुस्करा रही थी। भीष्म ने द्रौपदी की ओर देखा, पूछा, बेटी तू क्यों हंस रही है? कहा, पितामह, जब भरी सभा में मेरा चीर खींचा जा रहा था, मुझे नंगा किया जा रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया? भीष्म बोले, बेटी मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो अपना अन्न शुद्ध होना चाहिए और कमाई शुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी आज भारत की हालत यह है कि हमारा जो धन है वो सब कसम अशुद्ध हो रहा है। नौकरी करने वाला नौकरी नहीं कर रहा है, मजदूरी करने वाला मजदूरी नहीं कर रहा है, किसान अपनी किसानी नहीं कर रहा है, व्यापारी बेईमानी कर रहा है, नेता जो है वो जनता की सेवा के लिए चुना जाता है लेकिन धन कमाने में लग गया है। ये जो चल रहा है टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, ये जो बेईमानी का हम लोग अन्न खा रहे हैं, ये हमारे मन को कलुषित कर रहा है। तो आवश्यकता है धन को शुद्ध करना। ये आपने सुना होगा कि जितने भी शौच हैं, पवित्रता है, पवित्रता से रहना एक धर्म है। तो पवित्रता जो धर्म है उसमें सबसे बड़ा धर्म यह है धर्म की पवित्रता। समस्त शौचों में सबसे बड़ा शौच है धन का शौच। हमारा जो धन है जो हम खाते हैं वो हमारे कठिन पसीने की कमाई होना चाहिए, तो ये आवश्यक है। साथ ही साथ आपने अभी हमारे विद्वान वक्ताओं से देश की समस्याओं के संबंध में सुना। अभी देश में चल रहा है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसकी 370 दफा हटा दी गई है, तो ये तो हम लोग पहले से मांग रहे कर रहे थे कि हो जाना चाहिए, लेकिन और बातें क्यों बढ़ाई जा रही? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार के जमाने में भारत गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक था, इससे मेरा हृदय जल रहा है, आपका जलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमको वो बात याद है। आज भारत गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, आज उनके दिल में वो जलन कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं भारत से अगर गोमांस का निर्यात होता रहा, गाय कट गई, बैल मर गए और कहीं युद्ध हुआ, तो तुम्हारा पेट्रोल और डीजल 7 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बैल नहीं है,
खाने के लिए तुम्हारे पास गाय का दूध नहीं है, तो वो कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा? तो ये आवश्यक है कि गोमांस का निर्यात बंद हो। आप कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि भारत की आबादी कम होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हर हिंदू औरत 10-10 बच्चे पैदा करे। ये क्या है? ये इसलिए आप कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। हमारा ये कहना है कि जैसे आपने एक हिंदू को एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करने से रोक दिया है, वही उनको भी रोक दो, तो ये प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए। और आबादी की कमी, आप मजदूरों की कमी ना करें, जो सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ रहे हैं उनको कम ना करें, जो मेहनत कश लोग हैं उनकी आबादी कम नहीं होना चाहिए, और जो बड़े श्रीमान हैं वो तो अपनी आबादी खुद ही कम कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान देखना है कि आबादी कैसे कम हो, और वो भी प्राकृतिक मार्गों से, संयम और सदाचार से मनुष्य को संयम बरतना चाहिए। हमारे देश में 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। संतान होने के बाद मनुष्य संतान पैदा करने से विरत हो जाता है अपने आप, और दूसरे काम में लग जाता है। तो वो भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। राम जन्मभूमि के बारे में आपने अभी सुना, आपको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से हमारे जो अधिवक्ता हैं परमेश्वरनाथ मिश्र और उनकी अनन्य सहयोगी हमारी शिष्या हैं ये रंजना अग्निहोत्री, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान उसमें किया, पहले से लगी हुई है। तो इन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार और मुसलमानों के धर्म के अनुसार, मुसलमानों के धर्म के अनुसार भी जहां मूर्ति होती है, जहां दूसरे का मंदिर होता है, वहां मस्जिद नहीं बन सकती है। हम लोग मुसलमान नमाज पढ़े इसके विरोधी नहीं है, हम लोग तो मुसलमानों से भी यही कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान के लिए चुनौती नहीं है, ना चुनौती मुसलमान के लिए हिंदू है, ना हिंदू के लिए मुसलमान है। आज चुनौती सब धर्म के लोगों के लिए नास्तिकता है, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो मनुष्य को पशुता की ओर ले जा रहे हैं, वो हमारे लिए चुनौती है। और इसलिए हम लोगों को आपसी झगड़े खत्म करके लोगों को धर्म के रास्ते पे लाना चाहिए, विधि निषेध से नियंत्रित किया जाना चाहिए। धर्म का काम है मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाना, और ये हमारा सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से करता आया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम परमेश्वर की उपासना करें, उसमें किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। आप समझिए कि राम जन्मभूमि में हमारा राम मंदिर था, बीच में तोड़फोड़ हुई, बहुत जगह हुई है। आप देखिए, आप काशी जाएं तो काशी में जहां हमारा मंदिर है जगन्नाथ जी का, विश्वनाथ जी का, उसके वजह में मस्जिद बनी हुई है, लेकिन उसकी दीवारों में अभी भी चित्र बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हम एक बार शिलान्यास करने के लिए, गर्भगृह में शिलान्यास करने के लिए जब चले, तो हमको बीच में ही मुलायम सिंह की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, और
चुनार के किले में बंद रखा था। उसके बाद जब बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने हमको छोड़ा। उस समय हमको लोगों ने बताया कि वो जो मस्जिद है उसका जो निचला हिस्सा अभी भी हिंदुओं का है, केवल फर्स्ट फ्लोर मस्जिद है जिसको औरंगजेब ने बनाया था। एक बार मुकदमा चला था, उसमें यही फैसला हुआ है कि औरंगजेब बादशाह था इसलिए उसने उसको मस्जिद बना दिया, इसलिए वो कानून था। लेकिन सीढ़ी भी अभी हिंदुओं की है। तो इस तरह की तोड़फोड़ वहां हुई जहां भगवान का जन्म स्थान था। सदियों से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि राम जन्मभूमि में हम लोग जाते हैं लेकिन हमारा जो मंदिर है वो खंडित हो रहा है। 14 कसौटी के खम्भे उस समय भी थे जब तक कि वो टूटा नहीं था, उसको ध्वस्त किया गया था। हम लोग चाहते थे कि वहां पर भव्य राम का मंदिर बनाया जाए। राजनीतिक लोग इसमें आ गए सामने, बोले हम वहां पर मंदिर बना देंगे, हमको आप समर्थन दीजिए, राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये नारा लगा और तेल लगाओ डावर का, नाम मिटाओ बाबर का, वहां पहुंच गए और वहां मस्जिद की जगह मंदिर ही को तोड़ दिया। वहां 14 कसौटी खंभे थे, वहां मस्जिद थी कहां। लेकिन तोड़ने के कारण ये भ्रम हुआ कि अगर ये मस्जिद होती मंदिर होता तो हिंदू क्यों तोड़ता। अब आज मंदिर बनने की जब बात आ रही है, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या राम मंदिर न बनने से गरीब की रोटी कम हो जाएगी या बन जाने से उसकी थाली में रोटी बढ़ जाएगी। बोले नहीं नहीं, हम वहां पर मंदिर नहीं, राम हमारे एक महापुरुष थे, हम उनका एक स्मारक बनाए। आप बोलिए, स्मारक के लिए आप बोल रहे थे, वहां तो हम लोग चाहते हैं मनुष्य का मंदिर नहीं बनता है, बनता है परमात्मा का मंदिर, अवतार का मंदिर बनता है। आप अगर राम को मनुष्य मानते हैं तो आप हट जाइए, मंदिर हम बनाएंगे, आराध्य राम का मंदिर बनाए। इसलिए कुछ लोग वहां की चढ़ोतरी के लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग किसी के लिए लड़ रहे थे, कुछ पूजा के लिए लड़ रहे थे। हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाई और उसको रजिस्टर्ड कराया और उसके बाद आवेदन देकर जो मुकदमा चल रहे थे उसमें राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति को एक पक्ष बना उसकी तरफ से। अभी आपने सुना परमेश्वर नाथ मिश्र को हम लोगों ने लगाया, तो इन्होंने बहस की परंतु फिर भी उन्होंने बांट दिया, एक टुकड़ा मुसलमान को, एक टुकड़ा खाने को, एक छोटा सा रामलीला को दे दिया। हम लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि में विशाल राम मंदिर बने, कंबोडिया के अंकोर वाट में जितना बड़ा राम मंदिर है जो दुनिया का एक आश्चर्यजनक है, उस तरह का दिव्य मंदिर राम जन्मभूमि में बने और जब वहां आरती हो तो सारा विश्व वहां की आरती देखे। हम लोग ये चाहते हैं और आराध्य राम का मंदिर हम बनाना चाहते हैं, मनुष्य राम का नहीं। ये तब होगा
जब इस मंदिर का निर्माण सनातन धर्मी लोग करेंगे, इसके लिए नरसिंह राव ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। लोग कहते हैं कि सरकार को विधेयक लाकर राम जन्मभूमि हिंदुओं को दे देना चाहिए, ये भ्रम है। वो जमीन सरकार के पास है, उसके लिए आपको विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि 67 एकड़ जमीन में जो 2.25 एकड़ जमीन है, जिसमें मुसलमान कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद है, इसका फैसला अगर नहीं होता है तो हम अगर कहीं दूसरी जगह मंदिर बना भी लें तो राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं होगा। यह तो अयोध्या में अनेक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर हमारे पूज्य हैं, ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो हमारे हृदय में एक शल लगा हुआ है वो है जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त किया जाना, बहुत दूर होना चाहिए और वहां एक विशाल मंदिर बनना चाहिए। और हमें मुसलमान नमाज ना पढ़े इससे कुछ लेना देना नहीं, वो खूब नमाज पढ़ें, खूब खुदा की इबादत करें। लेकिन जहाँ आपने सुना कि जहाँ मूर्तियाँ हैं, जहाँ दूसरों की जगह है, वहाँ इस तरह का कार्य करना उनके भी धर्म के विरुद्ध है। तो हम लोग ये चाहते हैं आराध्य राम का मंदिर बने। और अभी आपने सुना दिग्विजय सिंह से कि नरसिंह राव ने हम लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग चाहें तो हम मंदिर की जमीन आपको दे सकते हैं। तो हमने श्रृंगेरी में चतुष्पीठ सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में कांची वालों को भी बुलाया और वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ कि रामालय के लिए हमको भूमि दी जाए। नरसिंह राव ने हम लोगों से कहा कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन किसी एक को तो नहीं दे सकते, किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं, तो आप लोग ट्रस्ट बनाए। तो हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है रामालय ट्रस्ट। उस रामालय ट्रस्ट में हम भी हैं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी हैं, कांची वाले भी हैं, एक मध्य संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भी हैं, ऐसे अनेक आचार्य, अखाड़े के महात्मा और संत महात्माओं को सबको शामिल करके जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं रामालय ट्रस्ट बना हुआ है। जब ये मामला हल होगा, जब मुसलमानों से ये दावा खत्म किया जाएगा, फिर हम लोग इसको इसकी मांग करेंगे कि अब हमें रामालय ट्रस्ट को ये अवसर दिया जाए ताकि हम अपने ढंग से वास्तु शांति करते हुए मंदिर अपना बने महान, वास्तु शांत परिपूर्ण विधान, और वहां हम लोग अपने ढंग से मंदिर बनाएंगे। और हम लोग ये चाहेंगे कि मंदिर की जैसी कि हमारी मर्यादा है उसके अनुसार होगा। मंदिर को आप समाज सुधार का कोई माध्यम मत बनाइए। एक बीजेपी की पहले मंत्री रह चुके हैं, क्या नाम उनका, जिनके ऊपर में मुकदमा चल रहा है, चिन्मयानंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वरूपानंद हमारा इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमने हरिजन से शिलान्यास कराया, अगर हमने मंदिर बनाया तो सबसे पहले हरिजन ही वहाँ पर पुजारी बनेगा, वही भोग लगाएगा। आप ये क्यों कह रहे हैं, आप जब जन जाति पाति मानते ही नहीं है,
तो फिर आप ये जाति पाति क्यों लगा रहे हैं? जो जिसका काम है वो करेगा और दर्शन करने में किसी को बाधा नहीं डाली जाएगी। हम लोगों का तो ये कहना है कि मंदिर में जो परंपरा से पुजारी रहे वो पूजा करें। अभी एक बात चली थी मध्य प्रदेश में कि पुरोहित और पुजारियों की ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोले जाएंगे और जो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा उसको पुजारी और पुरोहित बना दिया जाएगा। मतलब यह है कि ब्राह्मण को वहां से भी हटाओ, नौकरी से तुमने हटा ही दिया, पार्टियां उनको टिकट देती नहीं है और अगर जीत भी जाए तो मिनिस्टर नहीं बनाती। अब वो बेचारा सत्यनारायण की कथा करके अपना पेट भर रहा था, तुम अब उसकी जगह भी दूसरे सत्यनारायण कथा वाले निकाल रहे हो, ये क्या न्याय है? आखिर वो मनुष्य है कि नहीं है, उसको जीने का अधिकार है कि नहीं? तो ये सब बातें जो है, आप हम लोग कभी इसके विरोधी नहीं है कि हरिजन का विरोध किया जाए, उसको खाने को न दिया जाए। हम लोगों का तो ये है कि सबसे पहले हम उसको खिलाएंगे। हमारे यहाँ राजा रंतिदेव की कथा है। वो रंतिदेव राजा थे लेकिन राजा राजस्व से अपना भरण पोषण नहीं करते थे। जो उनकी कृषि क्षेत्र थी उससे जो पैदा होता था उससे अपना भरण पोषण करते थे। हुआ यह कि 40 दिन तक उनकी खेती से कुछ नहीं आया, भूखे रह गए। 40 दिन के बाद अनाज आया, भोजन बना, पत्नी ने भोजन बना के थाली में परोसा। जैसे थाली आई तो एक 3 दिन का भूखा आ गया, उसने कहा ये भोजन हमको दीजिए, उन्होंने कर लो भाई। उसके बाद जो बचा उसको खाने के लिए जब वो तैयार हुए कि जो पात्र में बचा हुआ उसको खनोच के खा दें, तो एक हरिजन आ गया, उसको बोले हमको हम भी भूखे हैं, वो उसको दे दिया। फिर उसको धो के पानी पीने लगा, बोले हमारा कुत्ता भूखा है उसको पिला दे, तो उसको पिला दिया। परीक्षा थी उसकी, अंत में सब देवता थे, उन्होंने प्रकट होकर बताया और उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा, न तहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाचनम। हम राज्य नहीं चाहते, हम न हम सुख चाहते हैं, हम ये चाहते हैं मोक्ष भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्राणियों के दुखों को हम दूर कर सकें। ये हम लोगों का आदर्श, हम उस आदर्श की चर्चा करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो प्रज्ञापराध हो रहा है, इस प्रज्ञापराध के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है, गाद हमारी नदियां अशुद्ध हैं, गंगा में गंदा पानी डाला जा रहा है, जगह जगह उसको बांधा जा रहा है। आप इतने दिनों से केवल 370 की दफा दिखा रहे हो, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन गंगा के बारे में क्या कर रहे हो? उसकी शुद्धि के लिए तुम क्या करने जा रहे हो? जो गोमांस का निर्यात हो रहा है उसके लिए तुम क्या करने जा रहे हो? आप समान सिविल कोड लाने वाले थे, हिंदू को एक विवाह के बाद दूसरे विवाह से रोक दिया गया है, वैसे मुसलमान को रोक दिया जाए, अब वो क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा था। तो जो हिंदुओं के सिद्धांत हैं, जिन हिंदुओं के हित हैं, नाम उनका लेते हैं लेकिन उसके लिए कोई भी काम ये लोग नहीं कर रहे। इससे क्या होता है कि जो लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उनके काम में बाधा पड़ती है। आप देखिए, लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ ये जो चैनल वाले हैं, सिनेमा वाले हैं, एक्टर लोग हैं, पहले संतोषी माता खड़ी कर दी अपनी संतोषी माँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ संतोषी माता के व्रत होने लगा। उसके बाद
साई आ गए, संतोषी माता जब ठंडी पड़ी तो साई आ गए, साई बाबा आ गए, निर्मल बाबा एक आ गए थे जो कहते थे वो समोसा खा लो। कई स्वार्थी लोग खड़े हो जाते हैं, तमाशा विकृत करते हैं। तो हमने कहा भाई साई हमारा कोई ईश्वर नहीं है, ना भगवान है ना संत है, कोई उसने हमको शिक्षा नहीं दी है, कोई उसका ग्रंथ नहीं है जैसे कि हमको प्रेरणा मिले, और उसका जीवन चरित्र आप पढ़े तो आपको लगेगा कि तुम्हारा गड़बड़ है। अभी जैन मुनि ने एक वक्तव्य दिया, उसको आप लोगों ने सुना होगा, पूरा उन्होंने इसका निराकरण किया। तो हम दक्षिण भारत गए, हमको ये गोविंदानंद जी ले गए थे, तो हमने वहाँ साईं की बहुत ज़्यादा अनुयायी है, हमने उसका विरोध किया। तो वहाँ आरएसएस के एक भैया जो जोशी थे, उन्होंने वक्तव्य दिया कि शंकराचार्य को साईं का विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साईं में भी भगवान का अंश है, ये बताया। और हमारे हजारों स्वयं सेवक साईं के भक्त हो गए हैं, लिखा। हम पूछते हैं तो हमारे लड़कों को शाखाओं में ले जाके इतना क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा देवता कौन है, तुम्हारे भगवान कौन है। वो साई की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा ईश्वर भगवान है, तुम्हारा सबसे प्रथम पृथ्वी में सनातन धर्म ही आया था, तो वो सब बातें नहीं बताते और उल्टा बतलाते हैं। अब आप सोचिए, साई में अगर भगवान का अंश है तो शंकराचार्य में नहीं है क्या? एक व्यक्ति था वेदांत सुनने गया, उसको बताया कि सब में परमात्मा है, सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, वो रट के आ गया। वो रास्ते में चला जा रहा था, एक हाथी वाला आया था, महावत कह रहा था भाई हाथी पागल हो गया है, रास्ता छोड़ दो। उसने कहा सब में ब्रह्म है, रास्ता नहीं छोड़ा। हाथी ने सूंड में लपेट के जो पटका तो हड्डी पसली टूट गई, कहने लगा महाराज तुमने कहा था कि सब में ब्रह्म है, हमारी हड्डी पसली टूट गई। तो महात्मा जी ने जिन्होंने सब ब्रह्म बताया था, उन्होंने कहा ये बताओ महावत क्या कह रहा था। कब महावत कह रहा था कि हाथी पागल है रास्ता छोड़ दो, कब उसमें ब्रह्म नहीं था। तो ये सब बातें हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं किसी भी संस्कृति का यदि विनाश करना हो तो उसकी कुछ बातें मान लो, कुछ का अर्थ बदल दो और कुछ का खंडन कर दो, तो वो संस्कृति कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए अब जब हम कोई बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य कांग्रेसी है। हम आपसे पूछते हैं, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के मंत्री थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति हो गए तो फिर भी कांग्रेसी रहे क्या? एक व्यक्ति किसी समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया कि जीवन में वो ही रहेगा? वो आज जगत गुरु शंकराचार्य है, उसका दायित्व है सनातन धर्म की शिक्षा देना। वो अगर देता है और तुम्हारी बातें गलत बताता है तो तुम उसका उत्तर तो देते नहीं हो, तर्कसंगत बात कहते नहीं हो, कहते तुम तो एक कांग्रेसी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो कि हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसी का नाम प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध होने कारण अब आप सोचिए, वहाँ पर आप राम का स्मारक चाहते हो कि राम का मंदिर चाहते हो? अब वहाँ माधव सदारी शिवराव गोलकर ने लिखा है
कि हम हिंदुओं की ये कमजोरी है कि हम अपने महापुरुषों को देवताओं की श्रेणी में ढकेल देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए और एक उदाहरण ये दिया कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया तो राम ने उसी प्रकार विलाप किए थे जिस प्रकार विपत्ति आने पर हम करते हैं, इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो भी मानव थे। इनको यही पता नहीं है कि राम ने रोए नहीं थे, रोने का नाटक किया था। कबहू जोग वियोग न जाके देखा मेरा है प्रकट दुखता। राम के अंदर कहीं विवेक नहीं था, ना कभी रोए थे, यही तो अंतर था। राम ने मनुष्य जैसा आचरण करके राम ब्राह्मण को भ्रम में डाल दिया और वो नहीं समझ पाया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो ये उनकी जो लीला थी उसको आप अपनी कमजोरी बता रहे हो, उनकी कमजोरी बता रहे हो, ऐसा नहीं है। राम को सब पता था, क्योंकि आप देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, जब लक्ष्मण जी कंदमूल पर लेने के लिए बाहर गए तो उन्होंने सीता जी से कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम बाबा का मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नाचा। तो सीता जी भगवान की इच्छा के अनुसार अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी एक छाया छोड़ गई। तो वो छाया रावण ले गया है, सीता जी को तो ले ही नहीं गया। तो जब वो खुद ही सीता जी को एक जगह सुरक्षित कर चुके हैं तो उनके लिए रोते कैसे। तो आप रामायण पढ़ते हो, आधी मुर्गी खाने को छोड़ दो, आधी अंडा देने के लिए छोड़ दो, आधी मुर्गी खा जाओ, ये थोड़ी चलेगा। मानना हो तो पूरी मानो और नहीं तो हमारे भगवान की चर्चा ही मत करो। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि राम हुए कि कृष्ण हुए? हमारे पुराण ही तो हैं, शास्त्र ही तो हैं। तो शास्त्रों ने तो ये बताया कि ये परमात्मा थे, परमात्मा का अवतार थे। आप आधी बात मान लेते हैं और आधी छोड़ देते हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग ये मानते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने राम के रूप में अवतार लिया और उन्होंने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वो नराकृति ब्रह्म थे, साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। हम भी ब्रह्म हैं लेकिन हमारा ब्रह्म आवृत है और श्री कृष्ण का ब्रह्म निरावृत है। श्री कृष्ण तो निरावृतम ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म। तो ये सब बातें हैं जिनको हमें समझना है और अपने जीवन को शास्त्र से नियंत्रित करना है और नियंत्रित करके अपने जीवन को, अपने आहार को, जो इंद्रियां हैं उनको वश में करके, मन को वश में करके, इस तरह से जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके अनुसार यदि अपने आप को हम बदलेंगे और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति बदल देगा तो ये प्रज्ञापराध समाप्त हो जाएगा और ये जो पर्यावरण की गड़बड़ी हो रही है ये भी समाप्त हो जाएगी, देश सुखी और शांत हो जाएगा। इस मौके पर सारे विश्व के लोगों को, आप सब लोगों को हृदय से आपके कल्याण के लिए आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।